महागठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार उससे सहमत नहीं थे, फिर उसके बाद जो अध्यक्षता नीतीश कुमार को मिल रही थी वो चीज कांग्रेस कहीं ना कहीं ले ली, तो इस वजह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। क्या लगता है इंडिया सफल हो पाएगा? इंडिया का चेहरा कौन हो सकता है? मैंने पूछा कि चेहरा किसको देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार है एक तरफ, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको कौन हो सकता है चेहरा? सिद्धार्थ जी, इंडिया नाम विपक्ष का रखा गया, क्या लगता है कहां तक उचित है ये नाम? बिहार की करें तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं? बिहार में कांग्रेस के 24 की तो बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ है, 25 में आप लोगों की जो रणनीति होगी वो क्या होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जो है सिद्धार्थ क्षत्रिय, जो कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न अगर आपसे मैं पूछूं तो वो ये है कि महागठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार उससे सहमत नहीं थे, फिर उसके बाद जो अध्यक्षता नीतीश कुमार को मिल रही थी वो चीज कांग्रेस कहीं ना कहीं ले ली, तो इस वजह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। क्या लगता है इंडिया सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा, ये बीजेपी की बौखलाहट है। मुंह बीजेपी एकदम मुंह बाए हुए हैं, जो कैसे भी मैंने ये हमारे तरफ आ जाए, कई तरह के उनको आशा है। वो हर तरह के बीजेपी के लोग देखे होंगे, जब मंत्रिमंडल से हटा दिए गए फिर भी आवास में इस आशा में थे नीतीश कुमार जी फिर मेरे तरफ कहीं ताके। तो ये साजिश है सुनियोजित रूप से भाजपा के, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, वो भी आज स्पष्ट रूप से बोले हैं, चूँकि छोटी प्लेन था और वो आना था, देखे होंगे सोनिया जी और राहुल जी के भी प्लेन भोपाल में अचानक जो है लौटने में लेट होने के कारण वहाँ भोपाल में मैंने लैंड करना पड़ा, प्लेन को आकस्मिक रूप से दुर्घटना होने से बच गया। इसीलिए इस तरह के चीज़ था, उनको सवेरे निकल गए, चूँकि मौसम भी रास्ते में ख़राब होते हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं, पूरी तरह से कांग्रेस के कहने पे ही वो जो है पटना में सबसे पहले जो है बैठक किए और पटना से हवा दिए इस मैंने योजना को, स्कीम को। इंडिया का चेहरा कौन हो सकता है? राहुल गांधी। इंडिया का चेहरा तो स्पष्ट है, अभी तो जो लड़ाई में है पब्लिक देख रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं इंडिया के जो चेहरा है। लेकिन यहाँ ज़रूरत है जो नफरतवादी जो तत्व हैं, जो जिस तरह से संविधान को कुचलने के साजिश किया जा रहा है, जिस तरह से जो है भारत के अंदर प्रेम भाव और कई तरह के संस्कृति है जो जिंदा है, उसको लड़ा के झगड़ा करा के उसको जो है फायदा, मणिपुर के हालात देखिए, अग्निवीर वाले घटना में किस तरह से भाजपा के लोग 70 साल में भाजपा के केंद्रीय मंत्री के वहाँ मणिपुर में घर जला रहे हैं, उनके नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। अगर इस तरह के हालात रहेगा, अग्निवीर में भी देखे थे भाजपा के नेता को पकड़ पकड़ के लोग जो है, इस तरह के नौबत नहीं आना चाहिए। देश में प्रेम भाव से रहें, मुद्दा आधारित राजनीति होनी चाहिए। महंगाई बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होती है, GDP के कोई बात नहीं होता है, रुपया के वैल्यू कहाँ से कहाँ चला गया है। अब हमारा बांग्लादेश से भी जो है हमारा विकास दर देश के कम हो गया। इस तरह की कमी को हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये सब कह के नफरती भाषण दे के भाजपा के लोग माहौल ख़राब करते हैं। इसी को बचाने के लिए इस तरह के इंडिया जो गठबंधन बना है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के प्रेम भाव से देश में रहना, जैसे रहते हैं उसको उसके संस्कृति में कोई दखल नहीं देना। नहीं नहीं, सर बात ठीक है आपके, लेकिन मैंने पूछा कि चेहरा किसको देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार है एक तरफ, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको कौन हो सकता है चेहरा? देखिए, यहाँ तो चेहरा तो विपक्ष में सारे चेहरा दिग्गज लोग हैं। आप मोदी जी के 38 दल में शायद ही चेहरा को आप पहचान पाते हों, लेकिन इसमें तो एक भी चेहरा नहीं है जो पब्लिक नहीं पहचानते।
चाहे शरद पवार जी हो कि केजरीवाल जी हो कि नीतीश कुमार जी हो, मैंने सारे धुरंधर लोग ही, ममता बनर्जी जी हो या झारखंड के हमारे हेमंत सोरेन जी हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब, तो सारे चेहरा, या शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हो, तो सारे यहाँ तो सारे चेहरा फेस वैल्यू जो है पब्लिक वाले हैं, और हमारे पास चेहरा की कमी नहीं है। उसका तो हम लोग पहले तो अभी तैयार किए हैं, जिस तरह के देश में घमंडी सरकार हो गया है, उनको अहंकार से पूरी तरह से भाजपा और नरेंद्र मोदी जी लबालब हैं। प्रधानमंत्री के जो दायित्व है वो पूरी तरह से फेल हैं निर्वाह करने में। महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दा से भटकाने के लिए हर दिन जो है नया नया रचना रचते रहते हैं। अभी कहाँ से पाकिस्तान से महिला को पकड़, हाँ सीमा हैदर को दो दिन सीमा हैदर का प्रेम भाव दिखाया गया, तीसरा दिन कुछ दिखाया गया, चौथा दिन कुछ, पांचवा दिन जब जनता कहा जो भाई ये पाकिस्तान से आया है और मैंने इस तरह कैसे आ गया, इसके वीजा है और किस तरह से आया, जब सवाल उठने लगा तो उसके बाद मीडिया के माध्यम से फंसा है, चूँकि विपक्ष के न्यूज़ को मारना है, पाकिस्तान इनका सबसे पसंदीदा मुद्दा है, अब उस पर लोग को भटकाते रहते हैं। अब पाकिस्तान से भी हालात हम लोग को अब ख़राब करते जा रहे हैं, जिस तरह से मैंने हम लोग के जितने 16 प्रधानमंत्री हुए, जितने कर्ज लिए 16 मिल के, वो अकेला नरेंद्र मोदी जी ले लिए, रिजर्व बैंक के पैसा 4-5 दफे निकाल चुके हैं। आप कर्ज की बात कर रहे हैं, बात अगर अमेरिका की जाए तो इस समय वर्ल्ड पावर है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी बहुत बड़ा कर्जदार देश है। नहीं, बहुत बड़ा कर्जदार तो वो तो रेवेन्यू भी तो देता है, यहाँ तो उसका कोई लेखा ही जोखा नहीं दे रहे हैं। आप पीएम केयर बनाए और वो प्राइवेट कर लिए, उसका सूचना के अधिकार से भी नहीं, तो आप पीएम नाम ही है सरकारी और उसके बाद प्राइवेट उस पर बना के पूरी तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है। आप अडानी हमारे जो मुनाफा वाला भी कंपनी है देश के, सारे अडानी जी को सौंपा जा रहा है, LIC SBI सब ध्वस्त किया जा रहा है, इसीलिए इस तरह के इंडिया जो अलायंस बनाने की ज़रूरत पड़ा, देश के बचाने के लिए, देश के संस्कृति, देश के नागरिक के जो मिलत प्रेम भाव और जिस तरह से मोहब्बत और भाईचारा से देश में लोग रहते हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग आ गया है। सिद्धार्थ जी, इंडिया नाम विपक्ष का रखा गया, क्या लगता है कहाँ तक उचित है ये नाम? पहले ही हमारे देश का नाम इंडिया है, अब उसमें एक जो है विपक्ष है वो एक साथ अपना नाम इंडिया रख दिए, नहीं नहीं ये तो इंडिया बनाम इंडिया ठीक है। हाँ हाँ, तो इंडिया तो इसमें अलायंस के जो बनाया गया है उसमें इंडिया शब्द निकल जा रहा है, तो शॉर्ट नेम ही आजकल प्रचलित होते हैं, तो ये तो शॉर्ट नेम इंडिया है। ऐसे तो गठबंधन तो आप समझ ही रहे हैं सभी दल के, और बड़ा ही अच्छा ढंग से सद्भाव में सारे विपक्ष के नेता बैठ के और फैसला लिए, बहुत ही स्वागत योग्य है और जनता भी इसको पसंद कर रहे हैं, चूँकि नरेंद्र मोदी जी के सबसे पहला रहता है जो जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, राष्ट्रवाद के बात करके लोग को गुमराह करते हैं, तो हम लोग उनका ही शब्द को हाईजैक कर लिए, हम लोग अब राष्ट्रवाद वाले मुद्दा पे हम लोग ऑफेंसिव हो गए। जो ये मैंने जिस तरह से नकली राष्ट्रवादी लोग घुस गए थे, तो आप लोग तो भी हम, तो आप लोग भी जो है उसी रास्ते पे चल पड़े, उस रास्ते को इस तरह आज किए जो उनके न मुंह से निकल रहा है, न उगल रहे हैं, न निकल रहे हैं, उनको कुछ बन ही नहीं रहा है, तो हम लोग रास्ते पे क्या चीज। अब ऐसे लोग को तो जवाब उसी ढंग से देना होगा, तो हम लोग जो है एक अच्छा है विपक्ष, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष को भी मजबूत होना जरूरी है। जिस तरह से ये मध्य प्रदेश में सरकार इनकी नहीं है, जबरदस्ती तोड़ के बनाए, महाराष्ट्र में तोड़ के बनाए, हर जगह आप देखे, गोवा में, उत्तराखंड में भी शुरू में किए, तो कई जगह मणिपुर में देखिए, कई स्टेट में तो उनको 2 सीट भी आया लेकिन सरकार वही बनाए। तो मेरे जिस तरह से लोकतंत्र को खरीद फरोख्त करके खुलेआम जो जिस तरह से सारे विपक्ष के लोग को अस्त व्यस्त कर दिए,
तो ऐसी स्थिति में हम लोग सभी लोग को एक मंच पर आना जरूरी था। अभी मैंने देश को बचाने के लिए आप लोग सिद्धार्थ जी 26 पार्टी है लगभग इंडिया की बात की जाए तो। एनडीए में जो कल परसों मीटिंग हुई थी उसमें 38 दलों को बुलाया गया था, तो कहाँ देखते हैं आप एक तरफ 38 पार्टी एक तरफ 26 पार्टी, उस पर से भाजपा जो पहले 2019 की बात की जाए तो 303 का आंकड़ा था, लगता है आपको कहीं कि कुछ संभव है? नहीं, आप जो है हम लोगों के जो और पार्टनर हैं आज तो चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही मिलकर के जो है वो आपने देखा होगा किस तरीके से दोनों के बीच के जो दरार है उसको कम करने की कोशिश की गई, तो बिहार में तो स्पेशली लगता है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं नैया जो है नहीं, देखिए चिराग पासवान अब ये लोग तो सारे ईडी इनकम टैक्स सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। ये लोग जिस तरह से मैंने शुरुआती राजनीति हुआ है धनवान बलवान हो गए हैं, चिराग पासवान के लिए वंशवाद वाला शब्द भाजपा में चले गए तो खत्म हो गया। मैंने ये तो मुद्दा विहीन भाजपा जो जिस तरह से राजनीति करती है तो पूरी तरह से समझिए कि मुद्दा विहीन राजनीति में है। जैसे अजीत पवार पे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आते ही अमेरिका से चले गए, वहाँ हमारा बूथ सबसे मजबूत में कह रहे हैं 70,000 करोड़ के घोटाला के बताए अजीत पवार, और उसको दूसरे ही दिन जो है उसके अपना पार्टी में ज्वाइन करा दिए। ऐसे लोग को मैंने इस तरह के पार्टी जो है पूरी सत्ता के हवस है, बीजेपी को सत्ता के हवस में जनता के जो सुख चैन है खत्म कर दिए। सरकार होते पॉकेट की आमदनी बढ़ाने के लिए लोग, ये सरकार जो है जिस तरह से मंदिर मस्जिद धर्म के उन्माद में लोग को फंसा के रोटी अपना सेक रहे हैं, तो भाजपा के तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं, वो 7-स्टार ऑफिस भाजपा के तो बन गए, जनता के तो अभी मैंने घर चलाना भी दुर्लभ हो रहा है। तो हम लोग पे अलायंस से ये फायदा है, हम लोग कर्नाटक में भी सरकार बनाए, हिमाचल में भी कई योजनाएं हम लोग दे रहे हैं। और आपने कर्नाटक हिमाचल की बात की, बात बिहार की करें तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं? बिहार में कांग्रेस के अभी तो हम लोग गठबंधन में है ही, हमारे भी मंत्री हैं सरकार में, और बिहार में निश्चित रूप से जो है हम लोग तीसरे चौथे नंबर के पार्टी हैं, लेकिन अपना मजबूती के लिए हम लोग निश्चित रूप से चूंकि जिस तरह के हम लोग को नीति सिद्धांत है उसमें किसी भी पार्टी के हो या लोगों के जो जिस तरह के उनका समस्या है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग पार्टी जो है लोगों के किस तरह से सुविधा दिया जाए, और ये तो भाजपा के लोग तो जिस तरह से उन्मादी माहौल पैदा कर लिए उसका ही ये उपज खाते हैं। 3 जून 2023 को शकील अहमद को विधायक दल का नेता बना दिया गया और अजीत शर्मा शकील अहमद में जो है लड़ाई चल रही थी, विधायक दल पहले विधायक दल के नेता अजीत शर्मा थे, तो क्या लगता है अजीत शर्मा कह रहे हैं उनके साथ भी उनके संपर्क में भी विधायक हैं कांग्रेस के कितने सारे, इधर शकील अहमद कह रहे हैं उनके संपर्क में, लगता है पार्टी टूट सकती है? देखिए अब जिनको मैंने लोभ लालच होगा, जिनको नीति सिद्धांत विहीन राजनीति जो करते हैं उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी का कोई बंदिश नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज अपने कुबत पे बहुत को भाजपा तोड़ के आज देखिए 5-6 मैंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाए, 3 कांग्रेस के ही गए हुए लोग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, पंजाब से लेकर तेलंगाना से लेकर कई जगह, तो गुजरात चुनाव में भी 28 MLA हम लोग को तोड़े। तो अब लोग को डरा धमका के ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के रेड से, आप देखिए तमिलनाडु में शिक्षा मंत्री के किस तरह से बीजेपी जो है, क्योंकि इनको तो संवैधानिक संस्था के दुरुपयोग ये कर रहे हैं अपने सरकार बचाने। दुरुपयोग की बात की आपने, कोई ना कोई तो गलतियां रही होंगी, लालू प्रसाद यादव पे लैंड फॉर जॉब स्कैम का आरोप लगा, गलतियां तो कहीं ना कहीं थी ना, ईडी सीबीआई से क्या होता है? गलतियां केवल विपक्ष के ही लोग में रहता है कि मैंने कांग्रेस के समय उद्योगपति लोग जेल गए, इनके समय
अभी सारे उद्योगपति मैंने सैकड़ों करीब भगाए गए, सारे बैंक से कर्ज ले ले के भगाए गए। मैंने देश छोड़ना आप सरकार के बिना चाहने के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग के समय तो सब जेल में रहते थे, हम लोग के भी पार्टी के लोग को हम लोग जेल में अपने भी पार्टी के लोग को डालते थे या भी अपने गठबंधन के लोग को भी हम लोग धर पकड़ करते थे, ताकि मैंने हम लोग लोगों के बीच में एक सुशासन जो होता है फेयर वो हम दे सकें। लेकिन भाजपा तो पूरी तरह से एक तरफा करते जा रहे, करने के लिए तो हर समय हुआ है, लेकिन अपना राजकाज को जिस तरह राजधर्म बनता है, वाजपेयी जी भी बोले थे, तो राजधर्म के पालन मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। राजधर्म की बात की आपने, 13 जुलाई को जो हुआ भाजपा सड़क पे उतरी, जबरदस्त मार पिटाई की गई पुलिस के द्वारा, विधायक सांसद चिल्लाते रहे हम विधायक है सांसद है, तो उन लोगों को मारा गया, तो राजधर्म का पालन कैसा था? उन लोगों को तो अहंकार में सारे लोग डूबे हुए हैं, वो उनको तो अनुमति ही जब मिला था सभा करने के लिए, वो अनुमति सभा के था गांधी मैदान में, आप जो है चल के फोटो खिंचवाना था तो वो भी सरकार डाक बंगला, हम लोग भी विपक्ष में रहे, हम लोग भी डाक बंगला से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया गया। वहाँ से बढ़ने के बाद जब सेंसिटिव एरिया आ जाता है वहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो प्रशासन तो इतना कोऑपरेट किया है, डाक बंगला तक आप मार्च किए, एक मैसेज दिए, लेकिन वहाँ से ज़बरदस्ती और मिर्ची पाउडर आँख में पुलिस को झोंक रहे हैं, तो इस तरह के मैंने कानून को हाथ में ले लेने के, ये भाजपा के लोग हैं तो फ्री हो गए, कानून इनके लिए अलग बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये लोग तो वहाँ काफ़ी बैरिगेट को तोड़ते गए और उन्माद जो है फैलाते गए, पुलिस को आँख में झोंक रहे हैं, उधर से लाठी डंडा वही लोग चलाना शुरू किए, पत्थर चलाना शुरू किए, तब पुलिस की मजबूरी था, जो अगर उस तरह कंट्रोल वहाँ नहीं किया जाता तो फिर जो है आगे जितने एरिया थे वहाँ भगदड़ से काफ़ी नुकसान होता है। सिद्धार्थ जी आपसे आखिरी सवाल है कि बैक टू बैक बिहार में इलेक्शंस है, बात की जाए तो 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा, 24 की तो बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ है, 25 में आप लोगों की जो रणनीति होगी वो क्या होगी, आप लोग ग्राउंड पे किस तरीके से वर्क करेंगे, क्योंकि अभी बात की जाए संगठनात्मक शक्ति की तो उतनी मजबूत है नहीं कांग्रेस इस समय, तो क्या आप लोगों के जो होंगे स्टेप्स होंगे? नहीं, संगठन को तो शुरू किए हैं हम लोग, के ब्लॉक प्रखंड अध्यक्ष सब बदले गए, जिला अध्यक्ष बदले गए, अभी हाल ही में प्रदेश कमेटी भी बनने के बात हो रही है, संगठन को पूरी तरह से मजबूती देने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पूरी तरह से रणनीति बनाए हैं, हर जिला को मजबूत, हर संगठन और प्रखंड और जो विधानसभा वाइज है एक्सरसाइज शुरू है, उस पर काम संगठन में शुरू हो गया, देखे होंगे जो भारत जो यात्रा बिहार में भी जो निकाला गया तो मंदार पर्वत वहाँ समुद्र मंथन में विश्व और अमृत निकला था राक्षस और भगवान के समुद्र मंथन में, तो वहाँ से हम लोग शुरू किए थे पैदल, आप पैदल चल के हम लोग पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति तक पैदल ही चल के आए, तो संगठन को मजबूती के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष जो है सोच रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और उससे वर्कर में भी उत्साह आया है, राहुल गांधी भी आए थे देखे जो सबसे पहले आश्रम उनको लाना, अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं जो सारे वर्कर के मीटिंग वहाँ करके तब गठबंधन के मीटिंग में हो गए, तो प्रमुखता पार्टी किस तरह से गंभीरता से ले रही है आप समझ रहे हैं, तो राहुल गांधी आए तो सबसे पहले सदाकत आश्रम वहाँ वर्कर को संबोधित करके और अच्छी संख्या में तब जाके गठबंधन, तो पार्टी जो है गंभीर है अपने संगठन के प्रति और हम लोग अपना मजबूती से काम कर रहे हैं, इसलिए जो 25 तक जो है काफ़ी हम लोग में और जो ताकत के कमी जो हुआ था और बढ़ेगा, कि नए नए चेहरा दिया जा रहा है,
हर जगह तो कुछ अच्छा होने की आशा है। तो हम लोग निश्चित रूप से 25 में बढ़िया काम करेंगे और बढ़िया सीट हम लोग जीतेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से सिद्धार्थ क्षत्रिय जो कि पूर्व बिहार कांग्रेस कमेटी के सचिव थे, उन्होंने कैसे कहा कि कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ उभर करके वापस आएगी 25-24 के चुनाव में। महागठबंधन की बात की गई, इंडिया के ऊपर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भाजपा जो है वो नफरत फैला रही है, तो वही राहुल गांधी जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो इंडिया कहीं ना कहीं सफल होकर के उभरेगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि 24 और 25 के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल उभर करके सामने आते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।